भागलपुर नगेश्वर गृहस्थ फाइनेंस लिमिटेड के नाम से 33 जीएस धर्मकांटा के पास एक फर्जी ऑफिस बनाकर जालसाजों द्वारा हजारों लोगों से 4 से 5 करोड़ रुपए ठगी किए जाने की आशंका है। मंगलवार को बड़ी संख्या में पीड़ित लोगों ने नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर लिखित आवेदन दिया और पदाधिकारी से मामले में न्याय करने की गुहार लगाई। गृहस्था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम की एक एनजीओ है, जिनके द्वारा ये लोगों से ठगी का शिकार ये लोग हुए हैं और कल से ये लोग परेशान हैं और करीब 500 या 1000 की संख्या में अभी कहिए, अभी तो कोई आकलन सही नहीं हो पाया है, लेकिन इतने लोगों से 3-3 हज़ार रुपये ठगी का मतलब है 4-5 करोड़ रुपया की ठगी हुई है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे कई एनजीओ हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं, जिसकी जानकारी यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी को रहते हुए भी इग्नोर किया जाता क्या है। क्या करके पैसा लिया गया? इन लोगों का कहना है कि लोन दिलवाने के नाम पर 60,000 लोन मिलेगा, यह कहकर 3100 रुपया हर एक व्यक्ति से वसूला गया है। कहाँ पे ये ऑफिस था इसका? इसका कार्यालय 33 माइल स्थित जीएस धर्मकांटा पे था, वहाँ के मालिक द्वारा बताया गया कि उनके पास वो एग्रीमेंट पेपर था, उसी के आधार पर उसमें आधार कार्ड वगैरह सारा उसका डिटेल्स लगा हुआ है। कंपनी का नाम है, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया हुआ है। कब से ये 2000 ये 33 स्थित कार्यालय तो लगभग 1 महीने से चल रहा है और इस कंपनी का हर जगह ठगी होने के बाद वहाँ से कंपनी को बदला जाता है, जैसा हम लोग को लग रहा है। भागलपुर शहर में अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर चला गया है, उस पर लगाम लगाने को लेकर समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। रेशम भवन भागलपुर में आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के तहत जीविका दीदियों, उद्यमियों एवं छोटे बड़े व्यवसायियों के साथ कार्यक्रम किया गया। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जो है वो सभी बैंक का लीड बैंक के नेतृत्व में आज यहाँ आयोजित किया गया है। रेशम भवन में हम लोगों ने ये करवाया है, ये बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बन करके इस जिले को मिली है और इसके सारे भवन के जितने भी कमरे हैं, हॉल हैं, सबका यूज़ हो रहा है। तो आज इसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम लोगों ने बैंकर्स को बताया भी है कि जो हम लोगों में और सुधार करना है हम लोगों को परफॉर्मेंस में, वो हम लोग निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में करें और जो प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग है सीडी रेशियो को सुधार किया जाना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री बुनकर योजना है, जहाँ भी बैंक के सहयोग की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है तो उसमें भी इस बार का परफॉर्मेंस पिछले सालों की तुलना में अच्छा हो, तो सभी बैंक के वरीय पदाधिकारी थे और सब लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जो टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर में रहेगा उसको वो लोग अचीव करेंगे और लगातार इसकी हम लोग समीक्षा भी करेंगे और बैंक को अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो उसका हम लोग निराकरण करेंगे। बाथरूम केयर का लॉन्ग लास्टिंग किंग आ गया, लॉक्सिया सबको भा गया, मजबूती प्लस खूबसूरती भरे बाथरूम प्रोडक्ट्स, लॉक्सिया तो छा गया, नो लीकेज नो ब्रोकेज, लॉक्सिया के प्रोडक्ट्स में नो शिकायत, नल की डिजाइन में ऑप्शन होंगे 1000, शावर और टैप्स भी होंगे आपके ग्राहक के पसंद के, तो आज ही बनिए लॉक्सिया के डिस्ट्रीब्यूटर। एजेंसी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 8521731286 पर या फिर zanisha.bathcare@gmail.com पर।